गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में आपको शरद जोशी जी द्वारा लिखा गया एक लेख दिया गया है। इस लेख का शीर्षक है तुम कब जाओगे अतिथि। जैसा कि शीर्षक को पढ़कर ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर इस लेख में लेखक ने क्या बताया है। लेखक जो है अपने घर में आए हुए अतिथि से बहुत परेशान हो गया है, क्योंकि वह जो अतिथि है उनके घर में जमकर टिककर बैठ गया। मतलब ऐसा पता नहीं कौन सा अदृश्य गोंद जो है उसके व्यक्तित्व को चिपका के रखा है, उसे वह समझ भी नहीं पा रहे हैं। और उसके घर में रुकने से लेखक को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेखक व लेखक की पत्नी को कि क्या क्या कठिनाइयां हो रही है, इस सब के बारे में लेखक ने यहाँ पर बताया है। इसके पिछले दो भागों में हमने पढ़ा कि जो अतिथि है वह 4 दिन से लेखक के घर पर टिका हुआ है, और लेखक ने पहले दिन तो उनकी बहुत अच्छे से आवभगत की, अतिथि सत्कार किया, गले मिले, उनकी पत्नी ने भी उन्हें नमस्कार किया और काफ़ी अच्छा अतिथि सत्कार किया, बहुत अच्छी मुस्कुराहट के साथ उन्हें गले लगाया। और रात का जो भोजन था उनमें उन्होंने एक अच्छे उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया, जिसमें 2 सब्जियां, रायते, इसके अलावा उन्होंने मीठा भी बनाया। अब उन्हें लगा कि ये सब चीज़ें उन्होंने किस आशा में की कि ताकि ये जो अतिथि है ये रात का भोजन करके सुबह की ट्रेन से अपने गंतव्य तक चला जाए, अपने घर चला जाए। लेकिन जो मेहमान था वह ऐसा नहीं कर पाया। मतलब वो मेहमान इस घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके बाद भी जो लेखक है वह अतिथि के लिए एक अच्छी मुस्कान लिए हुए अपनी पीड़ा को अपने अंदर ही दबाकर, मतलब वो परेशान हो चुके थे किससे, अतिथि से। क्योंकि घर में अगर कोई नया सदस्य अगर हमारे घर में आ जाता है तो हमारी जो आज़ादी होती है वो हम नहीं कर पाते। जिस तरह से हम घर में विचरण करते हैं, जिस तरह से हम घर में रहते हैं, घूमते फिरते, जैसा खाना खाते हैं, वो सब दिनचर्या हमारी बदल जाती है। ठीक है, तो इसके बाद लेखक ने क्या किया, चलो ठीक है रात का भोजन करवा दिया, तो उन्होंने दिन का जो दोपहर का जो खाना था, डिनर जो था, उसको भी उच्च गरिमा प्रदान की और रात्रि में सिनेमा भी दिखाया। इसके बाद भी वह सोचे कि ये जो सत्कार था ये हमारा आखिरी सत्कार है, इसके बाद हम अतिथि का और सत्कार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो अतिथि है वह जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, और तीसरे दिन भी उसने धोबी को कपड़े देने के लिए कहा। इसके बाद भी उन्हें लगा कि जल्दी से कपड़े आ जाएंगे धुलकर तो यह अतिथि फिर अपने घर चला जाएगा। लेकिन जब कपड़े लॉन्ड्री से आ गए उसके बावजूद भी जो अतिथि है वह जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वह अधिक दिनों तक यहीं ठहरेगा। तो लेखक को अब जो अतिथि है वो अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि अब देवता के जैसा नहीं लग रहा था, कुछ अंशों में उसे राक्षस जैसा प्रतीत हो रहा था। अगर देवता होता, मतलब अगर अच्छा मनुष्य होता तो लेखक के चेहरे के हाव भाव को तो समझता, लेकिन वह नहीं समझ पा रहा था। अब इतने दिन अतिथि के रहने पर उन्होंने हर तरह से उनसे बातचीत की, मतलब परिवार की, बच्चे की, नौकरी की, रिश्तेदारी की, यहाँ तक कि अपनी पुरानी प्रेमिकाओं के बारे में भी उन्होंने सारा जिक्र कर लिया। उसके बावजूद भी अभी तक भी जो अतिथि है वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। अब उनके जो ठहाके थे वो चुप हो चुके हैं। अब जो लेखक है वो तो क्या कर रहा है, फिल्मी पत्रिकाओं के पन्ने पलट रहा है और मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, और फिर धीरे धीरे जो हमारी जो हंसी मुस्कुराहट थी वो सब किस में बदलती जा रही थी, बोरियत में बदलती जा रही थी, और जो हमारी हमारी जो भावनाएं थी वो गालियों का स्वरूप धारण कर रही थी। अब हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि इनका जो व्यक्तित्व है यहाँ पर क्यों चिपक गया, मतलब ये जाने का नाम क्यों नहीं ले रहे, इनका जो घर परिवार है क्या इनको इसकी याद नहीं आ रही है। यहाँ तक पढ़ा था, इसके बाद देखिए, बार बार ये प्रश्न उठ रहा है तुम कब जाओगे अतिथि। अब लेखक के मन में, उसके परिवार वालों के मन में, सबके मन में बार बार यही प्रश्न उठ रहा है कि ये कब जाएंगे। हमने देखा होगा जब हमारे घर में कोई मेहमान ये आ जाते हैं तो
तो जो छोटे बच्चे होते हैं घर के या फिर जो ना समझ होते हैं वो सब यही कहते हैं कि ये कब जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे ही सवाल करते हैं। उसी प्रकार जो लेखक के घर में भी उनकी पत्नी और उनके बच्चे के द्वारा बार बार यही सवाल पूछा जा रहा था कि ये अतिथि जो है अब हमारे घर से कब जाएंगे। कल पत्नी ने धीरे से पूछा, कब तक टिकेंगे ये, टिकेंगे मतलब कब तक रहेंगे ये। मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूँ, मैं कोई जवाब नहीं दे सकता था, मैंने सिर्फ अपने कंधे उचका कर बता दिया कि मुझे नहीं पता, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। अब जो उनकी पत्नी है उन्होंने कहा कि आज मैं कोई अतिथि सत्कार के लिए कोई अच्छा भोजन या पकवान नहीं बनाने वाली हूँ, आज मैं क्या बनाऊँगी, खिचड़ी बनाऊँगी। तो मैंने भी जवाब दिया हाँ बनाओ। सत्कार की उष्मा समाप्त हो गई थी, डिनर से चले थे खिचड़ी पे आ गए। अब सत्कार मतलब जो अतिथि सत्कार था उसकी जो एनर्जी थी, मतलब इतने अच्छे से हम अतिथि सत्कार कर रहे थे, उनकी आवभगत कर रहे थे, वो सारी अब ख़त्म हो गई है। जो डिनर हमने दो सब्जी रायते मीठा बनाया था वहाँ से शुरुआत हुई थी, और अब अतिथि के रहते रहते इतने दिन हो गए कि हम किस पे आ गए हैं, खिचड़ी पर आ गए हैं। अगर अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप प्रदान नहीं करते हो तो हमें उपवास तक जाना होगा। गोलाकार मतलब अब भी अगर तुम अपना बोरिया बिस्तर समेट कर अपने घर नहीं जाते हो तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम खाने में कुछ नहीं बनाएंगे और कह देंगे आज हमारा उपवास है। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। अब जो लेखक है वो कह रहा है कि तुम्हारा और जो मेरा संबंध है, मतलब जब तुम आए थे, जब हमने इतनी अच्छे से तुम्हारा अतिथि सत्कार किया एक हल्की मुस्कुराहट के साथ और तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था की, तुम्हें हर प्रकार से सुविधा प्रदान की, तुमने घुमाया फिराया, लेकिन अब यह जो संबंध है हमारा एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है और अब हम यही चाहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम जाओ ना अतिथि, अब तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अब जो लेखक है वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे यहाँ पर अच्छा लग रहा है, और दूसरों के घर जाते हैं तो ना तो कोई पैसा खर्च होता है, ना कोई परेशानी होती है, हर चीज़ टाइम टू टाइम आपको मिलती रहती है, तो अच्छा ही लगेगा। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। लेखक क्या कहना चाह रहा है, अगर सबका बस चलता तो लोग एक दूसरे के घर पर ही रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता की गीत इसी कारण गाए हैं, होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है, क्योंकि अपने घर में हम स्वच्छंद रूप से आज़ादी से रह सकते हैं, ठीक है। दूसरों के घर हम उतनी आज़ादी से नहीं रह सकते, लेकिन अपने घर में हमें बहुत आज़ादी से हर चीज़ की सुख सुविधाएं हम अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। इसीलिए हम अपने घर को क्या कहते हैं, होम को स्वीट होम, स्वीट होम का मतलब अच्छा घर कहा जाता है, कि लोग दूसरों के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। मतलब अगर हमारा खुद का घर अच्छा होगा तो हम दूसरों के घर जाके क्यों रहेंगे, लेकिन अगर जब हमारे घर में कोई सुख सुविधा नहीं होगी तो लोग दूसरों के घर जाना पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप दूसरों के घर चले जाते हैं तो दूसरों के घर की स्वीटनेस ख़राब हो जाती है। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अगर अब तुम अपने मन से नहीं जाओगे तो लेखक क्या कह रहा है कि गेट आउट भी एक ऐसा वाक्य, ऐसा शब्द है जो मैं तुम्हें बोलकर तुम्हें यहाँ से रवाना कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुमने हमारे घर की जो स्वीटनेस है उसको ख़राब कर दिया है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। मतलब अब जो लेखक है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा है, आर्थिक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी। अपने खदाटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद पांचवें सूर्य की परिचित किरण होगी। मतलब लेखक को आए हुए अब तुम्हें कितने दिन, लेखक कह रहा है अब तुम्हें आए हुए कितने दिन हो गए हैं,
पाँच दिन हो गए हैं, अगर आज की रात तुमने यहाँ पर गुजार ली, कैसी रात, खर्राटों से भरी रात अगर तुमने आज गुजार ली, तो कल का जो सूर्य है वो तुम्हारे यहाँ आने का पाँचवा दिन होगा। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय लोगे। मतलब जैसे ही सूर्य उदय होगा फिर तुम उठते ही कह दोगे कि आज मैं अपने घर के लिए जा रहा हूँ, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा। मतलब अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मैं तुम्हें अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी जो सहनशीलता है वह सहनशीलता अब समाप्त हो चुकी है। कब? कल की सूर्योदय के बाद, और लड़खड़ा जाऊँगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते, देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि। अब जो लेखक है वो क्या कह रहा है कि तुम अतिथि हो और तुम देवता हो, लेकिन मैं एक मनुष्य हूँ, और शास्त्रों अनुसार मनुष्य और देवता साथ में नहीं रह सकते। देवता किस कितनी देर के लिए आते हैं, दर्शन देते हैं और चले जाते हैं, इसीलिए तो कहा अतिथि देवो भव है, अतिथि देवता के समान है, थोड़ी देर आते हैं, दर्शन देते हैं और चले जाते हैं। अगर आप देवता हैं तो आप यहाँ से चले जाओ, तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह तुम्हारी यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उनके पूर्व तुम लौट जाओ। अब क्या कह रहे हैं कि अगर मनुष्य अपनी स्थिति मतलब अपनी ऊपर उतर गया, अगर उसने अपनी भावनाओं को मतलब छोड़कर गालियों पर उतर गया या फिर तुम्हें गेट आउट जैसे शब्द बोल दिए, इससे पहले ही तुम यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारा देवत्व उसी में सुरक्षित रहेगा। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? अभी भी लेखक सिर्फ यही कहा जा रहा है कि अतिथि तुम कब जाओगे। इस जो पाठ है इसके माध्यम से लेखक हमें बताना चाह रहा है कि किसी के घर पर पहले तो बिना बुलाए जाना ही नहीं चाहिए, और अगर आप जाते हैं तो सिर्फ इस तरह से जाएं कि उन सामने वाले मतलब मेहमान नवाजी करके एक से दो दिन में लौट आएं, ताकि उनके जो घर की जो व्यवस्था है, उनके घर की जो आर्थिक स्थिति है वो ना गड़बड़ाए। क्योंकि जो लेखक है उन्होंने अतिथि सत्कार के लिए कितना कुछ किया, लेकिन फिर भी जो अतिथि है वह जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। धन्यवाद।